मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी आरम फैसलाबाद और मुल्तान, 2 सितंबर को मैं मौजूद होऊंगा फैसलाबाद में और 4 सितंबर को मैं मौजूद होऊंगा मुल्तान में। आप अपने हवाले से जानना चाहें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन कैसा रहेगा, लेकर एक्यू टीवी से आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी हाजिर हूँ। साल 2022 की जिंजानी जंत्री, 12 इमामिया जंत्री 2022, अलबेरूनी तकवीम 2022 और नवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दिन तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। अगस्त 2022 बुर्ज हमल ईरीस। आज वो अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात चलते हुए दिखाई देते हैं या उम्मीद उसमें नज़र आती है, शरीक हयात का साथ रहेगा, अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी, घर से बाहर खाना पीना, होटलिंग आउटिंग या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए दिखाई देते हैं। आज कहीं से पैसे आने की उम्मीद भी की जा सकती है। मद मुकाबल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। शराकतदारों के साथ अहम मामलात ज़ेरे बहस या किसी अहम माहदे पे डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की जानब भी तवज्जो रहेगी। बुर्ज सौ टॉरस, आज आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही। आज आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पाया जाता है। आज का दिन अनजाना डर, खौफ, बेचैनी आपको परेशान करेगी। अगर किसी से कर्ज लिया है, अलबत्त कर्ज उतारने के लिए आज का दिन बेहतर है कि इसमें आसानी पैदा हो सकती है। कानूनी मामलात में पेचीदगी नज़र आती है। बुर्ज जौज़ा जमनाए, आज मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। बच्चों की तालीम तरबियत पर तवज्जो दिखाई देती है। आज छठे हिस्से आपकी बहुत तेज़ है कि हर ख़तरे को आने से पहले जानते हुए या फ़र्द को, शख्स को कि किस वजह से वो आपके पास आया है पहले से ही पहचान के बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। किसी अहम फ़र्द से मुलाकात भी आज मतवक्को है। बुर्ज सरतान कैंसर, आज घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा रहेगा। घर की तजीन और आयश में दिलचस्पी रहेगी। आज तब्दीली किसी न किसी अंदाज में ज़रूर आपके मिजाज में या आपके काम में पाई जाती है। वालदा की कुर्बत रहेगी, वालदा का साथ रहेगा। घर के लिए कोई महंगी चीज़ खरीदना आपके लिए आसान हो सकता है। अपने काम को तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं। बुर्ज असद लियो, मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र रहे। मेहनत के बाद मुस्बत नतज को हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी आप पे रहे, आज को अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। लोगों का रवैया आपको बहरहाल आज थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बुर्ज सुमला वर्गो, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है, जो कि शायद इतने अच्छे माहौल में ना हो। रिश्तेदारों से मायूसी पाई जाती है, पुराने दोस्तों से भी मायूसी हो सकती है। बुज़ुर्गों से डांट डपट सुनने को मिलेगी। अखराजात में इजाफा दिखाई देता है और मुर्गन गिज़ाओं का इस्तेमाल आपकी सेहत को भी ख़राब कर सकता है। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, आज आपकी शख्सियत में निखार रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल खासा इम्प्रूव है। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। आज घूमने फिरने, सैर व तफरी का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से रबते को बहाल करेंगे या किसी नाराज़ शख्स को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो, आज अखराजात में इजाफा रहेगा। आज हो सकता है कि तन्हाई का शिकार भी आप रहें। आज किसी से गुफ्तगू या बातचीत करने को दिल ना करें। बैरून मुल्क इमिग्रेशन या ट्रैवलिंग के मामलों में ताखीर का सामना हो सकता है। आज नज़रबद का शिकार भी रहेंगे। बुर्ज कौस सजिटेरियस, आज काम का आज कारोबार में मुनाफे का रुझान रहेगा। कोई एक दिन ही ना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आज किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। बड़े बहन भाइयों का साथ रहेगा। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामला सुलझाने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, आज का दिन काम का आज कारोबार में बेहतरी के इम्कान नज़र आते हैं। रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए बेहतर मौके मुयसर आ सकते हैं। मुस्तकबिल को लेकर खास फ़िक्रमंद और परेशान भी हैं और कुछ मुस्बत फ़ैसले करने का मौका मिलेगा। दिल की बात करते हुए या दूसरों से काम निकलवाने में आसानी रहेगी। बुर्ज दल्व एक्यूरियस, आज मतवक्को है कि बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करें। मजहबी मामलात ज़ेर बहस रहेंगे। अपनी काबिलियत को दूसरों से शेयर करने का मौका मिलेगा। वालिद का साथ रहेगा, लेकिन वालिद के साथ हो सकता है थोड़ा खिंचाव की कैफियत बरकरार रहे। नींद आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। बेख्वाबी की कैफियत का शिकार रहेंगे।
برج حوت پائسس آج کا دن اپنی عقل حیثیت اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آنے والی ہرڈلز مشکلات کو دور کرنے میں کامیاب رہیں گے وراثتی معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں متوقع ہے کہ سسرال یا رشتہ داروں سے آج آپ کی ملاقات رہے دوران سفر خوشگواری کا احساس آپ کو ہوگا اور اجنبی افراد آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ